बिहार की राजनीति में सियासी हलचल धीमी नहीं हुई है। समीकरण बदलने के साथ ही एक एक दिन अहम हो गया है। कैबिनेट विस्तार पर अटकलों के बीच विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का सियासी दांव महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन विधानसभा सत्र के लिए 24 अगस्त तक का इंतजार भारी पड़ सकता है। सरकार बदलने के साथ ही अध्यक्ष के इस्तीफा देने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन सिन्हा के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने पद छोड़ने से मना कर दिया है। अब उनके इस कदम के बाद महागठबंधन ने भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस विधानसभा सचिव को दे दिया। हालांकि आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में हैं और ऐसे में सिन्हा का पद से जाना लगभग तय है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शपथ लेने के बाद दो मंत्रियों की कैबिनेट की बैठक बुलाई। फैसला किया गया कि विश्वास मत हासिल करने के लिए 24 अगस्त को सत्र बुलाया जाएगा। अब सवाल है कि जब महागठबंधन के साथ 164 विधायकों का समर्थन है तो विश्वास मत के लिए एक पखवाड़ा क्यों लग रहा है। इस नोटिस के चलते ही महागठबंधन को 15 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि नियमों के अनुसार नोटिस को जमा किए जाने के 14 दिन बाद ही उस पर चर्चा हो सकती है और सत्र शुरू होने पर ये सबसे पहला एजेंडा होगा। उन्होंने कहा, मुझे भी पता चला है कि महागठबंधन ने अविश्वास नोटिस दिया है। ऐसे में 14 दिनों का समय 23 अगस्त को खत्म हो रहा है और सत्र 24 अगस्त को होगा। उन्होंने बताया, उस दिन सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस पर चर्चा सबसे पहले की जाएगी। जब अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता है तो स्पीकर खुद अध्यक्षता नहीं कर सकता, ऐसे में डिप्टी स्पीकर काम संभालेंगे। विधानसभा में जदयू नेता महेश्वर हजारी डिप्टी स्पीकर हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि स्पीकर या भाजपा विश्वास मत को केवल टाल सकते हैं। उन्होंने कहा, महागठबंधन एक है, सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। मंत्रियों के लिए विभाग आवंटित हो गए हैं और किस पार्टी को कैबिनेट में कितना बर्थ मिलेंगी इस पर भी चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन जहां तक नेताओं की बात है, कांग्रेस और राजद दिल्ली में बैठे अपने आलाकमान से विचार विमर्श कर चीजों को अंतिम रूप देंगे। उन्होंने कहा, CPIML को भी फैसला लेना है, ये कोई मुद्दा नहीं है। इस महीने के अंत में विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान महागठबंधन की नई सरकार सदन के पटल पर विश्वास मत हासिल करेगी। विश्वास मत से पहले नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस नई सरकार ने 24 और 25 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी शामिल थे। JDU के एक पदाधिकारी ने कहा कि तेजस्वी को जल्द ही आधिकारिक तौर पर डिप्टी CM के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। कैबिनेट विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा, अन्य मंत्रियों को अगले कुछ दिनों में शपथ दिलाई जाएगी। गठबंधन के तीन मुख्य घटक JDU, राजद और कांग्रेस जल्द ही विभागों को और मंत्रियों की संख्या पर निर्णय लेंगे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।